जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ एक ऐसे मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करेंगे जो रिफ्रेशिंग तो है ही, इसी के साथ ये बहुत ही हेल्दी है। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड बादाम शेक। तो चलिए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 18 से 20 बादाम ली और इन बादाम को हमने पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप गर्म पानी में इस बादाम को 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। फिर हमने इसे छील लिया है और अब हम इसे मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जितना दूध या फिर पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून भर के वेनिला कस्टर्ड लिया है, इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका भी एक घोल बना लेंगे। और अब हमने एक हेवी बॉटम पैन में 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दूध को हमें लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि इसका 1/4 हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा रिड्यूस ना हो जाए। इस स्टेज पर हम इसे एक बार चला लेंगे और लो फ्लेम पर पकने के दौरान भी हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। तो 10 से 12 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो गया है और अब हम इसे एक बार चला लेंगे और इस स्टेज पर हमें इसमें फ्लेवर के लिए और इसे बढ़िया सा टेक्सचर देने के लिए इसमें ऐड कर देना है केसर। तो हमने 1 टेबल स्पून जितने गर्म दूध में 2 चुटकी केसर को भिगो कर रख दिया था और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है 1/4 टेबल स्पून इलायची का पाउडर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। वैसे केसर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो बादाम का पेस्ट बना कर रखा है उसे भी हमने इसमें ऐड कर देना है। तो हमने जो बादाम भिगोई थी ना उसमें हमने थोड़ा सा दूध ऐड करके इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर तक और पकाएंगे। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पका लिया है और बीच बीच में हमने इसे चलाया था क्योंकि हमने इसमें बादाम का पेस्ट ऐड किया है तो बादाम नीचे लग ना जाए, इसलिए हमने इसे चला लिया। और अब हमें इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो हमने यहाँ पर 5 टेबल स्पून चीनी ली है। अब आप इसे कितना मीठा रखना चाहते हैं उस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने जो 1 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड लिया था उसमें भी हमने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लिया। तो इस तरह से हम एक हाथ से इस घोल को ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे मिलाते जाएंगे और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक गाढ़ापन ना आ जाए। तो बस वेनिला कस्टर्ड ऐड करने के बाद हमने इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए और पका लिया है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है, फिर हम इसे फ्रीज में रख देंगे। 3 से 4 घंटों तक फ्रीज में रखने के बाद अब हमारा कस्टर्ड बादाम शेक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना यम्मी और टेस्टी हमारा बादाम शेक बनकर तैयार हुआ है। इसे सर्व करने के बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और कॉमेंट करना ना भूलें।